You know, when Minha was born, I remember बहुत से रिश्तेदार मिलने आए थे and friends भी आए थे और सबने इतनी अच्छी-अच्छी advices दी थीं कि ये भी खा लेना वो भी खा लेना don't forget to have soup अपनी जो है physical health का बहुत ख्याल रखना क्योंकि अभी तुम्हारी body बहुत exertion से गुजरी है लेकिन I don't recall any advice on mental health सब भूल जाते हैं I think कि ये जो physical changes हैं they affect you mentally and emotionally also it's just something that's completely ignored तूबा I know कि आपकी pregnancy अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल normal थी right कोई मसले मसाले नहीं थे लेकिन something started to change कुछ बदल गया था जब आपने baby आपका baby हुआ तो आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था हुआ ये था कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह my pregnancy went fine for the 9 months I was बिल्कुल ठीक थी कुछ भी नहीं था मैं खुद भी resident हूँ medicine में residency कर रही थी delivery हुई उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में थी तभी से मुझे थोड़ी सी ऐसी घबराहट सी स्टार्ट हुई फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं डिलीवरी के बाद की थकन है या कुछ इस तरह से दिस वाज लाइक फर्स्ट 2-3 डेज बिल्कुल बेबी जो बिल्कुल फर्स्ट डे था फिर उसके बाद फर्स्ट नाइट तो मैं सो गई थी लेकिन उसके दवाओं की वजह से पेन किलर्स वगैरह लेकिन उसके बाद जो है मुझे तकरीबन घर आने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी मेरे साथ हो क्या रहा है ये फीलिंग थी कि शायद मतलब मैं मतलब बेबी को देखती थी तो मुझे होता था कि इतना छोटा सा है इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है मैं इसको कैसे देखूँगी मतलब और उस वक्त मेरा एच भी ड्रॉप हुआ था मुझे मैं खड़ी होती थी तो मुझे चक्कर आने लगते थे आई वॉज़ एबल टू फीड हिम एट दैट टाइम मैं अपने माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर टू तो मैं अपने ससुराल में ही थी तो माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ उन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल किया हर चीज़ में एंड में ऐसा होने लग गया था कि लिटरली आई वॉज सो ब्रेथलेस कि मुझे लगता था कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है और मुझे सांस नहीं आ रही है बीइंग अ डॉक्टर मैंने सब पढ़ा हुआ था सब चीज़ें थी लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है सेल्फ डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्टली और जब आप नहीं गुजरे होते उस चीज़ से ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को उस तरह से समझना फिर फाइनली माई हस्बैंड टुक मी आउट 4th day तो मुझे बाहर लेके गए ब्रश से घुटन हो रही है घबराहट हो रही है इन मिडल ऑफ द फूड कोर्ट बैठी हुई थी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग I was talking to my best friend on phone and मैं कहती थी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है तो she said कि तुम्हें जो है थोड़ा सा एच बी वी ड्रॉप हुआ है तो मैं जाके उसको दिखा लो वो रात इट वॉज लाइक अनबेरेबल फॉर मी माई हस्बैंड हैड टू गो ऑन हिज ड्यूटी फॉर अ 36-hour कॉल मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ मैं पूरी रात जागती रही ऐसा आई वॉज एक्चुअली हेलुसिनेटिंग मुझे आवाज़ें आती थी सुबह में I couldn't just take it anymore. मैंने बिल्कुल कोलैप्स थी और मैंने my husband took me to the emergency. फिर वहाँ पे उन्होंने जो है वो obviously जो था medical treatment वो दिया उन्होंने postpartum blues क्योंकि for the first few days उसको हम blues कहते हैं like majority of the women go through it. उन्होंने blues कह के उसके बाद उन्होंने मेरे psychiatrist के पास review कहा and then उन्होंने घर भेज दिया That night I slept well. उन्होंने जो दवा दी थी इट डिड नॉट सूट मी मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि जो दवाइयाँ होती हैं उससे इवन मी बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद इतना ज़्यादा जो है वो घबरा रही थी उनको लेते हुए कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा दे विल नॉक मी आउट और मे बी आई वॉन्ट बी द सेम पर्सन एनी मोर और फिर वो ख्याल कि बच्चे को कौन देखेगा क्या करेगा हालाँकि मैं मेरी अम्मी मेरी बहन मेरी सास एवरीबडी वॉज देयर फॉर मी लेकिन फिर भी एक डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा दवाइयाँ नहीं ले रही थी एंड फिर मैं खुद अपने आप को साइकियाट्रिस्ट से अवॉइड करने के लिए मैं कि मैं सेशंस ले लूँगी मैं ये कर लूँगी मे बी व्हेन आई विल गेट बेटर मैं एक्सरसाइज की तरफ चली जाऊँगी या स्पिरिचुअली अपने आप को हील करने की कोशिश अपनी बुक्स पढ़ रही हूँ आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ उस वक्त जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई थी इफ़ आई कुड एक्चुअली रिलेट टू अ ट्रू स्टोरी कोई अपनी किसी ने स्टोरी बताई हो कुछ हो फिर मेरी एक और जूनियर है जो कि रेजिडेंसी कर रही है साइकियाट्री में शी गॉट मी एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर आई वांटेड टू सी उन्होंने जो दवा दी तो उसको भी लेते हुए बहुत डर लग रहा था ईद का दिन था रमज़ान ख़त्म हो गया ईद का दिन था कुछ अच्छा नहीं लग रहा
हालत ख़राब मेरी, रो रही हूँ बिल्कुल, ऐसा ऐसा लगता था कि एक ब्लैक क्लाउड मेरे ऊपर फ्लोट कर रहा है सारे वक्त. दिस इज़ वेरी स्कैरी एक्चुअली. और ये अब ये ब्लूज नहीं रहा था ना, अब तो ये बहुत एक्सटेंड हो गया था. या इट वेंट इनटू डिप्रेशन. बस सारे वक्त एक स्टेट ऑफ एंजाइटी. मैं एक जगह पे सुकून से बैठ ना पाऊँ, मुझे एक मिनट के लिए भी चैन ना आए, मैं घबरा घबरा के उठूँ रात में. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक जो इम्पेंडिंग डूम होता है ना, कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ बुरा होने वाला है. ज़रा ज़रा सी चीज़ों से, माई हस्बैंड यूज़ टू टेक मी टू शॉपिंग, मेरी बहन मुझे बुक्स दे रही है, मूवीज़ ला के, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है. और मैं उससे पहले बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, एंड दिस वॉज़ वेरी न्यू टू मी, इवन टू माई हस्बैंड. व्हेन ही वेंट टू द साइकियाट्रिस्ट, ही सेड शी इज़ नॉट द सेम लेडी एनी मोर, शी इज़ नॉट द, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन कम्प्लीटली, जो जब उनसे पूछा गया. तो खैर फिर मैं गई साइकियाट्रिस्ट के पास, उनके पास जाके उन्होंने दवाएँ दी, दवाएँ लेके मैं घर आ गई, दवा नहीं ली, दवा फिर छोड़ दी डर के मारे के क्या हो रहा है मेरे साथ. फिर मेरे एक सीनियर हैं, और इस पॉइंट पे मैं उनको जितना थैंक यू करना चाहूँगी, जितना मैं उनका उनके ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की. मैंने उनको सिर्फ हेल्प कही थी, शी इज़ अ कंसल्टेंट वेयर आई वर्क. तो उनको मैंने कॉल की सिर्फ पूछने के लिए कि शी इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, कि आप मुझे बताएं दवाओं से कुछ होगा तो नहीं मुझे. तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग. वो तरावी पढ़ रही थी, मैंने रोना शुरू कर दिया बुरी तरह. शी सेड के नहीं नहीं कुछ नहीं होगा. और उसके बाद से शी मेड अ हैबिट ऑफ कॉलिंग मी एवरी डे. शी वॉज सो काइंड टू मी कि उन्होंने मुझे कहा कि कौन कौन मना करे दवा लेने से, मुझे बताओ. मतलब शी हैज़ अ वेरी बिजी स्केड्यूल. शी सेड अपने पेरेंट्स हैं तुम्हारे, इन लॉज हैं तुम्हारे, हस्बैंड जो भी है ले आओ, हम बात कर लेते हैं बैठ के. इंटरनली कोई प्रेशर? एग्जैक्टली. एंड आई सेड नहीं, इट्स मी, इट्स ओनली मी, इट्स नो वन एल्स, इट्स मी. उन्होंने कहा नहीं होगा कुछ, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ फेस, यू विल गेट ओवर इट इन अ फ्यू मंथ्स. उस वक्त ये भी लगता था कि यार एक दफ़ा में क्यों नहीं सही हो जाऊँगी, एक हफ्ते में क्यों नहीं ठीक हो जाऊँगी, एक महीना क्यों लगेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उस तरह से सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करेंगी. लेकिन उसके बाद से मैंने दवा लेना शुरू करी. ठीक है, जब उन्होंने बोला उसके बाद से वो दवा माशाल्लाह मुझे इतनी सूट करी कि विद इन कपल ऑफ डेज आई वॉज कम्प्लीटली फाइन. I was able to function. वो घबराहट, वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी. And how did you move forward then? As I said, it was a very bumpy ride. एक कभी किसी दिन कुछ हो रहा है, good days, bad days आते हैं. ऐसा नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाएगा. Yeah. ख़राब दिन और अच्छे दिन बीच में आएंगे. किसी दिन बहुत ज़्यादा palpitations हो रही होती हैं, किसी दिन कुछ हो रहा होता है. तो अभी तक I see my therapist, क्योंकि in between कुछ दिन ऐसे होते हैं घबराहट हो रही है, जब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस वक्त वो मुझे बताते हैं कि हाँ अब तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यू कैन टेक दिस मेडिसिन, इट्स ओके. डू यू थिंक दैट पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि तुम माँ एक्टिंग करी, हम सबको बच्चा हुआ है, हाउ कम ये क्या अनोखी चीज़ है कि इसको जो है डिप्रेशन हो गया. ये जो बेसिक जो मैंने देखा है ना, वो लोग इस चीज़ को नॉर्मली समझते नहीं हैं. लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि लोग अभी भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये तो हम हर किसी के साथ होता है, काम में दिल लगा लो ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने को नहीं है ना, जब भी तुम इतना ज़्यादा वो हो रही हो, अगर तुम बच्चे में दिल लगाओगी तो हो जाएगा. अब उनको एक्चुअली जब तक आप उस जगह पे नहीं होते हैं ना, तो आई थिंक इट्स वेरी इनसेंसिटिव कि इस तरह की चीज़ के बारे में कोई, जिस तरह से किसी को खुदा ना खासा टीबी हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, उसका कम्प्लीट इलाज ज़रूरी है. तो ये भी एक बीमारी है जो कि किसी के बस में नहीं है, इसका भी इलाज ज़रूरी है, इसको भी कम्प्लीटली एक बीमारी की तरह ही हैंडल करना चाहिए. आई थिंक इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को छुपा के रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग समझेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा. लेकिन एक्चुअली आई थिंक अ लॉट ऑफ मदर्स गो थ्रू दिस. एटलीस्ट जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ है वो तो ज़्यादातर लोग पोस्टपार्टम ब्लूज तो दे गो थ्रू इट, राइट? और फिर जो एक मुझे लगता है ना मिसकंसेप्शन का रीज़न ही ये है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गोस थ्रू पोस्टपार्टम ब्लूज, और ब्लूज़ जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और फिर उसके बाद जो है वो यू फील दिस वे, ठीक है, लेकिन वो चले जाते हैं थोड़े दिन में. yeah. तो सबको लगता है कि क्योंकि हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं, एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू मेक यू फील कि हम गुजर चुके हैं इस चीज़ से, ये तो ख़त्म हो जाता है, ये तो रहता नहीं है. तो वॉट वी नीड टू नो इज़ दैट पोस्टपार्टम ब्लूज सबको होते होंगे, लेकिन डिप्रेशन सबको नहीं होता. डिप्रेशन something that you need to diagnose on time and you need to treat it. Or I know it's difficult to talk about it. It's very difficult to talk about it because ke whenever matlab main koshish karti hu ki main bhula do us time ko, lekin abhi bhi matlab
what I try to tell people is that if somebody is going through it, usko support kare, usko pehchane. If you are seeing somebody going through that phase, uska matlab ye nahi hai ki wo nashukra bana kar rahi hai, wo sirf adjust ho rahi hai.